खबरें बहुत कम आजकल हैं, न्यूज चैनल पर तो सब कुछ चल रहा है बवाले जान। एक खबर जो देश को देखनी चाहिए, मुझे लगता है बहुत गंभीर खबर है, पूरे देश को देखनी चाहिए। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, देश की बेरोजगारी दर 7.8% देश की बेरोजगारी दर, ध्यान से समझिएगा, 7.8%। हरियाणा की बेरोजगारी दर 31% के करीब पहुंच गई, 31% के करीब। 19 साल का हर दूसरा युवा बेरोजगार है। साहब ऐसी खबरों पर चर्चा कहां होती है? होती है हमारे यहां कि राज्य में, अगर प्रदेश में, अगर मैं टीचर्स की बात करूं, 50,000 पद खाली पड़े हैं। अग्निवीर युवा जो है वो 4 सालों के लिए बेरोजगारी इन्हीं आंकड़ों का हिस्सा बन जाएंगे, इन्हीं आंकड़ों का हिस्सा बन जाएंगे अग्निवीर 4 साल के बाद, समझ रहे हैं आप? यानी कि युवा बेरोजगारी के आंकड़े देश के भविष्य के सामने सवाल बन के खड़ा हुए हैं और हम उलझे हैं हिंदू और मुसलमान में। ये जो है दर आज नहीं बढ़ी, ये दर वैश्विक महामारी से पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। वैश्विक पड़ोसी देशों को देख लो, आज भी हमारी सरकार की नीतियों की वजह से हम इससे बचे हुए हैं। बराबर में देख लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका भी देख लो, कंपेयर करेंगे, वो भी विकासशील देश ही हैं, तुम्हारी बराबर के देश हैं। आप पाकिस्तान से देश की तुलना करेंगे? पाकिस्तान से नहीं कर रहा। मैं आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आईना मैं भी दिखा रहा हूँ, हमने जो किया है, बराबर में देखिए जाकर क्या हाल हो रहा है लोग। तो सर मैंने इसमें ये आंकड़ा अभी वो नहीं जोड़ा है जो अग्निवीर 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे, उसको अभी इसका हिस्सा नहीं माना है। ये आंकड़े उसी की तस्दीक करते हैं। हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे और हम हिंदू मुसलमान पर पूरे दिन डिबेट होती रहती है, पूरे दिन जहरीली डिबेट का हिस्सा बनते हैं हम लोग। इस पर बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं, जहरीली डिबेट कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं। अगर बेरोजगारी पे मांगोगे तो आ देंगे, अगर वहां हम पर आप जो है हिंदू मुसलमान पर मांगोगे तो देंगे, हमारा काम है जवाब देना। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने आपसे बेरोजगारी पर चर्चा की, आपने बेरोजगारी पर ही जवाब दिया। आप इसमें हिंदू मुसलमान नहीं लेकर आए। अगर आपको मैं हिंदू मुसलमान, सुनिए, अगर मैं आपको हिंदू मुसलमान के लिए बुलाता तो आप यहाँ बैठकर हिंदू मुसलमान ही कर रहे होते। यानी वो कौन लोग हैं जो शाम को महफिल सजाते हैं, डिबेट्स करते हैं, जहरीली डिबेट के नाम पर हमारे देश के भविष्य को अंधकार में ढकेल रहे हैं। चीज और क्लियर करता हूँ, शर्माने वो डिबेट मुझे कहना चाहिए, हिंदू मुसलमान करा नहीं था, कराने वाले लोग थे, उसे तो फंसाया गया बेचारी को। किसको? फिर आपको बता देता हूँ किसको फंसाया। नुपुर शर्मा के हिसाब से जो आपने बयान देखा है ना, उसको एक बार पूरी डिबेट को क्लियर कर दीजिए। एक चीज और क्लियर कर रहा हूँ, किसने फंसाया? माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेकर चर्चा की, नहीं किसने फंसाया? नुपुर शर्मा स्वयं कोर्ट में गई थी, कोर्ट ने नुपुर को नहीं बुलाया। अगर इस विपक्ष में दम होता और ये इतने मजबूत होते तो ये प्रयास कर ये बुलवाते अपने माध्यम। मोहम्मद जुबैर जो फैक्ट चेकर है, उसके मामले में एक अज्ञात ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है, FIR दर्ज होती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उसे जेल भेजा जाता है, लेकिन एक हैशटैग जिस पर एक के बाद एक ट्वीट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कोठा तक बताया जाता है, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पाती, क्यों? भीड़ तंत्र की बात करें तो थोड़ा सा राजस्थान में चले जाओ, वहां क्या हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर जुबैर ने कहा, जुबैर की तुलना जो है, या उनकी तुलना जो है, आप जुबैर की तुलना या राजस्थान की तुलना जो है वो कहां से करना चाहेंगे? नहीं, मैं राजस्थान की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं जुबैर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, एक ट्विटर हैंडल जो अज्ञात ट्विटर हैंडल था, मैं अज्ञात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो ट्विटर हैंडल डिलीट हो चुका है, उसके उसके ये? उसके उसके संज्ञान लेते हुए आप एक FIR दर्ज कर देते हैं, एक हैशटैग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट कोठा करके, आप कोई संज्ञान नहीं लेते उस मामले पर, इसे क्या समझा जाए? प्रमुख साहब देखिए, जहां हमारा संज्ञान लेने का मामला है हमने सबसे पहले लिया आज तक। देवेंद्र प्रमुख साहब फिर ये क्यों कहा कोर्ट ने कि रेड कार्पेट बिछा रखा है दिल्ली पुलिस ने आपके लिए? देखिए, मैं कोर्ट और पुलिस के बीच में नहीं पड़ना चाहता, ये मेरा मामला नहीं है, इसके एक विशेषज्ञ के तौर पर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, इसके लिए कोई अच्छा वकील हो और मामले 500 दंगे हो जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा ऐसी ऐसी भंग हुई है कि आतंकवादियों के लिए खुलवा दिया गया कोर्ट, ऐसे वो लोग, वही तो लोग उसी मानसिकता के तो लोग हैं तिलक जी, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में काम कर रहे हैं, अंडर करंट का काम कर रहे हैं, देश में अशांति चाहते हैं लोग, देश में अशांति चाहते हैं, ये मतलब जो सवाल उठाएगा वो देशद्रोही है।
हमने नहीं कहा देशद्रोही है, सवाल उठाइए तो उठना चाहिए। राजस्थान पर क्यों नहीं बोले? जेपी नड्डा साहब पीएम मोदी को लेकर उन्होंने जो बात रखी वो ये आपके सामने है। पीएम मोदी की आलोचना क्या देशद्रोह है जो जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ नहीं, बिल्कुल। जब एक देश के प्रधानमंत्री पर आप सीधा जो आक्षेप करेंगे, किसी पार्टी का नेता थोड़ी मानेंगे, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रमुख साहब आप ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करना देशद्रोह है, आप मुझे ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ट्रस्ट के साथ बोल रहा हूँ, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री इस देश की गरिमा है, बिल्कुल है, इस देश की ताकत और विश्व के नंबर वन लीडर। आलोचना नहीं कर सकते देश के प्रधानमंत्री, आलोचना क्यों कर दोगे? अगर आलोचना करने की बात है तो करिए, लेकिन अगर बेवजह आलोचना की जाए, बिगर तथ्य के आलोचना की जाए, तो ये कोई ना कानून कहता, ना कोई तथ्य कहता, ना कोई सब कहता। 2014 से पहले बिना तर्कों के आलोचना नहीं होती थी पीएम की? होती होगी, मुझे इस बात में कहां चर्चा की बात है, होती होगी मैं कब का गारंटी दे रहा हूं। देशद्रोह नहीं था 2014 से पहले, अब देशद्रोह हो गया पीएम की आलोचना करना। देश के प्रधानमंत्री को लेकर क्या क्या बोला गया 2014 से पहले के बयान देख लीजिए, रेनकोट तक का जिक्र किया गया हैदराबाद में, 28 मिनट 21 सेकंड अपने भाषण में देश के प्रधानमंत्री देश में लगी नफरत की आग पर एक शब्द भी नहीं बोलते, क्यों? शांति की अपील से इतना बैर क्यों है? वो तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है तिलक जी। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर शांति की अपील करे तो ये क्या नहीं लगता आपको कि बवाल शांत हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक आप अच्छे पत्रकार होने के साथ बहुत अच्छा क्वेश्चन निकाल के हमेशा लाते हैं और आज भी लाए। एक चीज क्लियर करता हूं, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहीं से कहीं तक भी आभास होता या थोड़ा घना इंगित होता कि इसमें आम जनता का कहीं सहयोग है, तो निश्चित बोलते और एक बोलने पे सारा मामला सिपट जाता, निमट जाता। लेकिन ये उन लोगों का है ही नहीं, ये प्री प्लान है, प्लान से है, इस पर चंद लोग लगे हुए हैं, हैशटैग लो या सोशल मीडिया लो। प्रमुख साहब आप ये कह रहे हैं आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है? अगर देश के प्रधानमंत्री अपील करे कि देश में शांति होनी चाहिए तो आप ये कह रहे हैं आम लोगों से कोई लेना देना नहीं उसका? नहीं, देश के प्रधानमंत्री किससे करें अपील? आम जनता से ही तो कर सकते हैं, या विपक्ष से करें? अगर विपक्ष अपना काम कर रहा क्या वो रुक जाएगा? एक स्टडी के अनुसार किसी देश में सबसे न्यूज अगर चली तो दुनिया भर में 18% से ज्यादा 18% भारत में ही फेक न्यूज चलाने वाले कौन है? आम जनता है क्या? टीआरपी के नाम पर जहर कौन घोल रहा है? अगर जिस दिन मैंने तब भी कहा था ये टीवी चैनल पर चलने वाली डिबेट जो शाम को जहर देती है लोगों को, अगर इस पर रोक लग जाए तो बहुत सा काम आसान हो जाएगा। वो लोग रोक लगेगी नहीं लगेगी वो आप लोगों के ऊपर है, लेकिन आपने कहा ना ये फेक न्यूज, आपको बताता हूं ये फेक न्यूज जो चली थी राहुल गांधी को लेकर चली थी ना फेक न्यूज, उस पर एक चैनल ने माफी मांगी जो कि राहुल गांधी को लेकर फेक न्यूज चल रही थी। अब आप ही के मंत्री, मतलब देश के मंत्री, उसको ट्वीट करते हैं खबर को, प्लीज प्ले करिएगा हर्षवर्धन राठौर, ये देखिए। माफी तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं को मांगनी होगी, या फिर ये लोग कठोर कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार ये लोग आरएसएस भाजपा पर आधारहीन आरोप लगाकर जांच की दिशा और जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम इन्हें भुगतना होगा। मतलब एक तरफ फेक न्यूज और दूसरी तरफ आप ही के मंत्री धमकी दे रहे हैं, फिर तो ठीक है सर। नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता तिलक जी, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैंने तो सिर्फ क्लियर कर दिया, जो मेरा काम है मैं उस पर जवाब दूंगा।